हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ भेल। चाइनीज़ भेल बनाने के लिए ये हमने एक पैकेट हक्का नूडल लिया है, जिसे हमने नमक डाल के बॉईल करके लिया है। ये एक कप गाजर है, कैरेट, ये एक कप कैबेज है, ये एक कप हरी शिमला मिर्च है, एक कप प्याज है, आधा कप टमाटर बीज निकाल के कट करके लिया है, ये आधा कप हरा प्याज है, स्प्रिंग ओनियन, और ये हमें कॉर्नफ्लावर है जो नूडल्स में डाल के हमें नूडल्स फ्राई करने हैं, तो हम उसे ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। ये 8-10 लहसुन की कलियाँ है, जिसे हमने लंबे से कट करके लिया है। एक हरी मिर्च है, जिसे भी हमने कट करके लिया है। ये हरा धनिया पत्ती है, जिसे कट करके लिया है। ये नमक है, स्वादानुसार हमें लगेगा, मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून हमने रेड चिली का पेस्ट लिया है, 2 टीस्पून हमने टमाटर सॉस लिया है, ये 1/2 टीस्पून हमने सोया सॉस लिया है, 1 टीस्पून हमें रेड चिली का सॉस लगेगा और 2 टीस्पून हम शेजवान चटनी लेंगे। तो आइए चाइनीज़ भेल बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये बॉइल्ड नूडल्स में हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसे फ्राई करेंगे। तो ये कॉर्नफ्लावर मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये 3 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर इसमें डाला है। कॉर्नफ्लावर को अच्छे से इसमें मिक्स करके नूडल्स को उससे कोटिंग करना है। इससे नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो क्रिस्पी हो जाते हैं। और 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स को हमने कॉर्नफ्लावर का डस्टिंग किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके नूडल्स ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। थोड़ा संभाल के डालना चाहिए, नहीं तो ऑयल ऊपर आ जाता है। नूडल्स को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नूडल्स ब्राउन हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सभी नूडल्स फ्राई करके लिए हैं। इसी कड़ी में हमने ये 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसमें हम अभी ये लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है। इसमें अब हम ये प्याज डालेंगे। और हमें किसी भी चीज को पकाना नहीं है, सिर्फ उसका कच्चापन निकालना है। प्याज का भी हम सिर्फ कच्चापन ही निकालेंगे। का क्रंची में समय चाहिए। अभी इसमें हम ये शिमला मिर्च डालेंगे। ये हम थोड़ा सा प्याज इसमें डालेंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब हम इसमें ये सॉस ऐड करेंगे। ये सोया सॉस है, 1/2 टीस्पून। ये रेड चिली पेस्ट है, ये टोमेटो सॉस है, ये 1 टीस्पून हमने रेड चिली सॉस लिया है। गैस का फ्लेम हमने कम रखा है। और ये 2 टीस्पून हमने शेजवान चटनी डाली। इसे हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे।
और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बाउल में नूडल्स थोड़े से क्रश करके लिए हैं। सभी नूडल्स नहीं लिए हैं, जितना चाहिए उतना ही नूडल्स हम मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम थोड़े थोड़े सभी चीज़ें मिक्स करेंगे। ये कैबेज है, जैसे चाहिए वैसा ही मिक्स करेंगे। सब पूरा मिक्स करके नहीं रखेंगे, नहीं तो नूडल्स सौगे हो जाती है और उसका टेस्ट नहीं आता है। तो ये गाजर है, ये टमाटर है, ये थोड़ी सी धनिया पत्ती है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। और ये जो मिक्सचर हमने बनाया था, इसमें का भी थोड़ा ही मिक्सचर हम इसमें मिक्स करेंगे। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चाइनीज भेल बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, अगर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।